कौन बनेगा करोड़पति? हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत लोग देखना प्रेफर करते हैं। वहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ये फॉर्मेट आपको भी पता है और ऑफलाइन भी आप वहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, लेकिन यही चीज आपको पता है और यही बात स्कैमर्स को भी पता है जिसका आप शिकार बनते हो, वो है केबीसी लॉटरी स्कैम, जहां पर आप सभी कौन बनेगा करोड़पति लॉटरी स्कैम के शिकार बन जाते हो और अपने कुछ पैसे यहां पर आप सभी गवा बैठते हो अपने ग्रीड की वजह से कि आपकी ये लॉटरी लग गई है कौन बनेगा करोड़पति में। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज सम सॉल्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का एजेंडा आपको पता चल गया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति लॉटरी स्कैम के बारे में, और इनफैक्ट आपके फोन पर भी बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे कि आप कौन बनेगा करोड़पति का लॉटरी जो है जीत चुके हो, 25 लाख का, 30 लाख का, 35 लाख का। इनफैक्ट मेरे फोन पर खुद पर्सनल मैसेज कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू कई बार आ चुका है कि मैं जो हूँ केबीसी लॉटरी स्कैम का यहाँ पर जो है पार्ट बनने से बच गई, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये केबीसी लॉटरी स्कैम होगा। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ये नहीं समझ पाए और यहाँ पर आप सभी अपने कुछ पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करके लॉटरी के लिए आप सभी अपने अकाउंट को खाली कर बैठे, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। अब सीन ये है कि आपको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति जो है होस्ट करते हैं बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, और बहुत ही कह सकते हैं जेन्युइन शो है जहां पर लोग जाते हैं कौन बनेगा करोड़पति का पार्ट बनते हैं और वहां से कुछ मोटी रकम या फिर छोटी रकम भी जो है जीतते हैं, जिसमें से कुछ टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है आपको और ये लाइन मार्क करना है कि टैक्स डिडक्ट होता है, उसके बाद आपको कुछ पैसे वहां से जो भी आप जीतते हो वो मिलते हैं। अब बात करेंगे स्कैम क्या चल रहा है। तो स्कैम वर्ड यहाँ पर जो है ना, ये अपने आप में इस चीज को पूरा क्लैरिफाई कर रहा है कि लॉटरी स्कैम चल रहा है जो आपके फोन पर हो सकता है। आपके व्हाट्सएप पर भी कई बार मैसेज आया होगा कि आप लॉटरी स्कैम यानी केबीसी लॉटरी जो है वो जीते हो 25 लाख का, और जैसे ही आप रिप्लाई करोगे आपको वहां पर मांगेंगे वो लोग सारे इन्फॉर्मेशन, उस बाद फिर अलग इन्फॉर्मेशन के लिए वो लोग आपको पिच करेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर भी दिखाऊंगी और न्यूज भी दिखाऊंगी कि ये कितना जेन्युइन न्यूज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। तो ये न्यूज़ आर्टिकल जो आप देख सकते हो आज तक प्लेटफॉर्म का है, और आज तक आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सएप पर फिर शुरू हुआ केबीसी के नाम पर स्कैम, 25 लाख के लालच अकाउंट में हो जाएगा आपका अकाउंट जो है वो खाली। तो यहाँ पर 25 लाख मेंशन है और मोस्टली आपको पिच करेंगे कि आप 25 लाख का ही कौन बनेगा करोड़पति लॉटरी जो है आप जीते हो। सो गाइज, व्हाट्सएप मैसेंजर जो है हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सुबह उठते के साथ ही हम लोग सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं, और व्हाट्सएप पर ही आपका केबीसी स्कैम जो है सबसे ज्यादा चल रहा है। जो स्कैमर्स होते हैं वो ऑलरेडी आपके नंबर जो है उनके पास होते हैं, कहीं से वो लोग अरेंज करते हैं, फिर आपको वो मैसेज करते हैं कि आप केबीसी लॉटरी जीत चुके हैं 25 लाख का। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है और आप एक्साइटमेंट में हो सकता है कि उसका रिप्लाई कर दो। आप केबीसी देखते हो कि हाँ वहाँ पर आप बहुत सारे लॉटरी स्कीम्स भी चलती हैं, तो आप हो सकता है रिप्लाई करो, कॉल कर लो, फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको अपना बैंक डिटेल्स जो है वो शेयर करना होगा, आधार कार्ड शेयर करना होगा। और एक्चुअली में उन लोगों को ना आपकी इन डिटेल्स से कोई मतलब नहीं होता है, वो लोग बस जेन्युइन दिखाने के लिए आपको ये सारे डिटेल्स जो है शेयर करने के लिए बोलते हैं, और आप शेयर भी कर देते हैं। उसके बाद फर्दर आप कॉल करते हैं, वो लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग रीचेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, रीकन्फर्म कर रहे हैं। उससे फिर उधर से कॉल आएगा, कुछ वॉइस नोट भी आपको भेजेंगे, कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस भेजेंगे कि इन्होंने हमारे यहाँ से पैसे जो है केबीसी लॉटरी जो है जीती है। आपको कुछ गूगल सर्चेस भी दिखाएंगे, इवन आपको चेक की भी फोटो भेजेंगे कि ये आपका चेक है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चेक करोगे ना, आपको कोई ना कोई गलती वहाँ पर दिख जाएगी कि चेक में कोई गलती है, या फिर आपको वहाँ के उनके प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा। अब इस न्यूज़ की इस आर्टिकल की बात करें तो ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ऐसे आपको बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे। जैसे आप सर्च करोगे ना यहाँ पर केबीसी लॉटरी स्कैम, तो यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दिखेगा केबीसी लॉटरी फ्रॉड्स। अब यहाँ पर एक्चुअली लोग किस तरीके से आपको फ्रॉड बनाते हैं इसके बाद अगर बात की जाए, तो मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप के थ्रू टारगेट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आप भी एक्साइटमेंट में शेयर करोगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे भी कि कई लोगों ने जीते हैं, आपको चेक दिखाएंगे, पैसे ट्रांसफर करते हुए भी दिखाएंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपको यहाँ पर ना कुछ टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं टैक्स, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर GST वगैरह, और ये इंक्लूडेड आपको ना, आपने अगर 25 लाख रुपीज जीते हैं तो आपको यहाँ पर 16,000 या फिर मिनिमम आपको 20,000 जो है इनके अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, ऐसा ही आपको बोलेंगे। जब आप पूछोगे क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना,
क्यों, तो ये आपको रिप्लाई देंगे कि ये कुछ टैक्स आपको जो है पता है वो तो देना ही पड़ता है, आपने ये अमाउंट जो है जीता है तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और आप क्या करते हो यहाँ पर 25 लाख आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, उसके सामने 16,000, 20,000 कुछ अमाउंट है नहीं, तो आप क्या करते हो इन फ्रॉड्स के अकाउंट में जो है ना ट्रांसफर कर देते हो। और मोस्टली ये नंबर देखो आप यहाँ पे मेंशन है कि ये 92+92 से आपको ये मैसेज करते हैं जो कि ISD कोड ऑफ पाकिस्तान यानी कि ये पाकिस्तान का नंबर मोस्टली होता है। तो आप यहाँ से भी ये सारी चीज जो है ना समझ सकते हो क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो आर्टिकल है ये फीचर किया गया था और ये आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाता है कि इस तरीके के नंबर से आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति एंड रिलायंस जियो वर्थ ₹25, वहां पर आपको रिलायंस जियो भी लिखा हुआ नजर आएगा कि आप रिलायंस जियो कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से 25 लाख की लॉटरी जो है जीत चुके हो। नेक्स्ट जैसे ही आप उनके अकाउंट में 16, 20,000, 25,000 जो है आप डिपॉजिट करते हो सकता है आपको आगे और स्कैम यानी इसी तरीके से आपको और भी बेवकूफ बनाने के लिए, आपसे और भी पैसे लेने के लिए वो लगातार आपसे मनी की डिमांड करते रहे। अगर आप समझदार हो तो हो सकता है कि 16,000 ट्रांसफर करने के बाद ही आप रुक जाओ, लेकिन आपके वो 16,000 भी जो है वहां पर बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, क्योंकि वो आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका कॉल पिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी वो आपको व्हाट्सएप मैसेंजर के थ्रू जो है गाइज वो मैसेज करते हैं और वहां पर व्हाट्सएप आपको ही पता है कि वहां पर ब्लॉक का फीचर देता है। और यहां पर ये क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन है कि मोस्टली आपको टारगेट व्हाट्सएप से करते हैं। अब सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस की बात करें क्योंकि एक्चुअली हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग समझदार हों लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर समझदार नहीं हैं, तो अगर आप इन सारी चीज़ों से ऐसे स्कैम से बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करो। कभी भी ग्रीड में आकर ना आपको ना जल्दी जल्दी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको सारी चीज़ यहाँ पर कंफर्म करना चाहिए कि जो भी आप मैसेज आपको मिला है वो लॉटरी प्राइस जो है एक्चुअली में KBC से है या नहीं, आप उनकी वेबसाइट या फिर सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ए क्लोजर लुक इन टू सच मैसेज विल शो पुअर ड्राफ्टिंग ग्रामेटिकल एरर्स, ये मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जब भी ऐसा अगर आपके साथ हो आपको कोई भी चेक या फिर आपको कॉल्स आ रहे हैं तो आप वहाँ से ना एनालाइज कर सकते हो, आपको अपना माइंड जो है प्रेजेंट रखना है और वहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि आप किसी फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग चेक में उनके ग्रामेटिकल एरर्स इंग्लिश वगैरह में ना बहुत देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाओगे कि आपके साथ यहाँ पर कुछ जो है स्कैम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा वाला स्कैम हो रहा है। इसके बाद है आपको एकदम ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है KBC अगर आप जीतते हो, KBC लॉटरी अगर जीतते हो या KBC की साइड से कोई भी प्राइज है या फिर जो भी अमाउंट जीतते हो तो वहाँ पर कभी भी आपसे टैक्स खुद डिमांड नहीं की जाती है। जो आपका वहाँ पर प्राइज मनी होता है ना गाइस, मान लो आपका ये प्राइज मनी है 25 लाख, तो उसमें से ही ना आपका टैक्स जो है और GST जिसको बोलते हैं वो आपका डिडक्ट होकर आता है, आपसे स्पेशल जो है वहाँ से कोई भी मनी जो है नहीं मांगी जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई प्राइस अमाउंट जीत रहे हो तो आपसे स्पेशली उसके लिए रिडीम करने के लिए कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे, उसमें से टैक्स डिडक्ट होकर आपके पास पैसे आएंगे। और इन द कॉलर इज इंसिस्ट ऑन मेंटेन सीक्रेसी, सबसे पहली बात आपसे वो व्हाट्सएप पर क्यों बात कर रहे हैं, जेन्यून है, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही क्यों बात कर रहे हैं, और ऐसे ISD कोड के साथ +92, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप सभी बहुत समझदार हो और जो भी प्रिकॉशंस मैंने आपके साथ शेयर किए डेफिनेटली आपको इनका ध्यान रखना है। और आप अगर खुद भी चाहते हो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी चाहिए, जैसे गूगल पर सर्च करोगे इस तरीके से व्हाट्सएप KBC फ्रॉड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे किस तरीके से ये आपको फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम का पार्ट बना रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और इनफ भी है, जो भी सारे वेज मैंने आपको बताए जिस तरीके से आपको टारगेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको ये कॉल भी कर रहे हैं, वाया कॉल अगर आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तब भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि KBC के साइड से कॉल है या नहीं है, और जो भी प्राइज मनी जीतोगे कभी एक्स्ट्रा मनी की डिमांड नहीं करेंगे, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इस तरीके के आप सभी को स्कैम से बचना है गाइस, एंड डेफिनेटली ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।